अरे बाबा। तो यहाँ हमने एक ब्रेक ली सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, ये जो देख रहे हो सामने ये पूरी की पूरी लेक है और पूरी जमी हुई है। कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ यार। टैंकी में सारे का सारा पानी जमा पड़ा है, देख रहे से यहाँ पर ये पूरा का पूरा पानी है जिसके ऊपर अभी मैं फिसल रहा हूँ ना। पिछले 2 घंटे से भाई मजाक नहीं कर रहा, लिटरली पिछले 2 घंटे से 7:18 हो चुके हैं, 5 बजे के लगे हुए इसको जलाने में, पूरे कमरे में धुआं धुआं कर रखा है और कुछ नहीं हुआ, शरीर का एक पार्ट गर्म नहीं हुआ, आंखें और जल गई हैं धुएं से, ऐसे 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 हो रही है। मेरा ना यहाँ पे ना सिर गर्म हो गया है, मैं कसम से कह रहा हूँ अगर 5 मिनट में अब ये ना जला ना मैं चला जाऊंगा वापसी दिल्ली, मैंने रुकना ही नहीं है यहाँ। ये बुरा है, बुरादा है, इसमें ना डीजल मिलाया हुआ है तो उससे ना थोड़ी सी मैं इसको आग दे रहा हूँ कि जल जाए भाई, जल जा भाई, जल जा यार। दो रजाई में बैठा है, इन्होंने कहाँ हाथ घुसा रखे हैं, उसने कहाँ कंबल तो घर से लेके आए हो, शुक्र करो मंजी नहीं लाए हैं। भाई पहले तो ये जल नहीं रहा था और अभी जला तो ऐसा जल गया, ये देखो माचिस की तिल्ली, अंदर भी नहीं लगाऊंगा बाहर लगाऊंगा कहीं पर भी, ये देखो मतलब इतना गर्म हो गया कि बाहर से तिल्ली जल रही है। अब हो गया पैर वैर सब कुछ एकदम गर्म, मजा आ रहा है, अब रात को यहीं सो सकते हैं। It's hours later. So good morning everyone, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक नई वीडियो पे। और अभी अभी मैं बाहर निकला था और बाहर मैंने कुछ ऐसा देखा, और मेरे हाथ में ना मेरा फोन नहीं था तो मैं वीडियो कैसे बनाता, फिर मैं अंदर गया फोन लेके दोबारा आया, ये देखो मेन चीज टैंकी में सारे का सारा पानी जमा पड़ा है और ये मोटर लगाई जाती है, मोटर के थ्रू पानी खींचा जाता है, पतली लेयर नहीं है भाई बहुत मोटी लेयर है। और बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा शानदार, दो मिनट के लिए बाहर निकलो ना भाई हाथ पूरे जम जाते हैं, फटाफट से भागता हुआ अंदर आया बुखारी के पास, एक बार खोलियो इसको। कल तक ही शीशे से बाहर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, अभी एकदम गायब हो गया और जम गई है पूरी की पूरी। और ये बॉटल देख रहे हो, ये बॉटल हम मनाली से लेके निकले थे गर्म पानी डाल के, अभी तक हमने इसको दोबारा रिफिल नहीं करवाया और अभी भी इसमें पानी गर्म है, 2 दिन हो गए हैं, मजा आ गया गर्म पानी पी के। अब जाके थोड़ी धूप निकली है, हल्का सा पानी पिघला है, मोटर से पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं ऊपर वाली टंकी में, कैसी सी बर्फ है ना एकदम, कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, ये देखो भाई, अरे आजा हाथ में, एकदम चमचमाती हुई। अभी सुबह के 10:55 हो रहे हैं यहाँ पर और टेम्परेचर अभी भी -7 -8 है, मतलब इतनी ज्यादा ठंडा, सोच लो इतनी तगड़ी धूप निकली हुई है तब भी इतनी चिल्ड वाली हवा चल रही है ना, ओ भाई पूरा ही जमा हुआ ये तो। देख हाँ ये एकदम शीशा बनी हुई है, अंदर तक दिखाई दे रहा है, देख रहे से यहाँ पर ये पूरा का पूरा पानी है जिसके ऊपर अभी मैं फिसल रहा हूँ ना, और सोचो भाई अगर अंदर निकल लिए तो रेस्क्यू करने आना पड़ेगा हमारे को, और कितनी फिसलन दिया पड़े, कितनी और ये जो निशान देख रहे हो ये ऐसे नोकीले नोकीले से, ये सारे के सारे आइस स्केटिंग करते हैं इसके ऊपर, ये पूरा वहां से लेके यहाँ तक है, समझ लो इस वक्त हम पानी के ऊपर खड़े हुए हैं। कितना गहरा होगा ये? यहाँ पे बीच में होगा ये कम से कम 15-20 फुट के करीब। 20 फुट मतलब सही में बहुत गहरा है, सही में बहुत गहरा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये बड़े बड़े से जो होल्स नजर आ रहे हैं ये केव्स हैं, बहुत पुराने टाइम में यहाँ बंदे रहते थे। तो वो सामने हमारा गेस्ट हाउस है, ये गुरुजी पैदल पैदल आ रहे हैं और हम यहाँ पर ये नदी को देखने आए थे, देख रहे हो आधी से ज़्यादा जमी हुई है, अभी क्या होगा अगर दोबारा स्नोफॉल हो गई ना 10 या 15 दिन में, ऊपर की लेयर पूरी जम जाएगी, जितना भी ये पानी निकल रहा है ना सारा का सारा आइस वाली लेयर के नीचे से निकलेगा। ये देखो ये पूरा जमा हुआ है, अंदर पानी हिल रहा है, अब इसको तोड़ते हैं और अंदर से पानी निकालते हैं, वैसे तो ये बेवकूफों वाले काम है लेकिन हम हैं तो हैं। ओ भाई साहब भाई ये देखो ये सारा पानी इसके अंदर था,
कुछ खुराफात करने को मिलता ना छोड़ते नहीं है, सबसे पहले वाकई हम करेंगे हम करेंगे। हेलो बड़ा ओ भाई तेरा ग्लव्स खा रहा है, हाथ मत करी, हाथ मत करी, चक मार देगा हो सकता है। मैं तो ग्लव्स ही छीन के ले जाता है। ये देखो 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 भाई साहब, भाई साहब फुल जोश में है, फुल जोश में, फुल जोश में। जिप्सी को गर्म कर दिया था भाई? चलो बढ़िया, अभी हम हैं ताबो में, यहाँ पर टेम्परेचर है फिलहाल -7 -8 और हम आगे जा रहे हैं 50 किलोमीटर, वहाँ टेम्परेचर है -20 -25 के बीच में रहता है, ठंड यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ इतनी ज़्यादा तो सोच लो आगे कितनी ज़्यादा होगी। टेढ़ी हवा चल रही है ना, धूप निकलने के बावजूद मतलब मुंह पे ऐसा लग रहा है ओहो, भर के क्रीम लगाई है, भर के कहीं से भी स्किन ने ड्राई नहीं पड़नी चाहिए। यार ये साइड वाला शीशा ना साफ करना पड़ेगा। अरे रे 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 रेल की पटरियों की आवाज, गाड़ी निपट जाएगी यहाँ नीचे। मैं बोल रहा था ये वाला शीशा साफ करना पड़ेगा, साइड से दिखता ही नहीं है कुछ। तो अभी ड्राइवर चेंज, एक्चुअली बढ़िया बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं, तो मेरा ड्राइविंग की तरफ भी ध्यान है, वीडियो की तरफ भी है, तो मैंने बोला थोड़ी देर आप चलाओ, जब थोड़ा जबरदस्त रास्ता आएगा ना स्नो ही स्नो फिर मेरे को दे देना। दबा के देख, जा रहा है, जा रहा है, जा के देख थोड़ा टायर के आ जाइयो, वापस आ जाइयो, देख टूटेगा भाई ऐसे। देखो भाई ठंड के असली मजे कैसे हैं, हाँ आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो -15 के अंदर पानी है इससे मुंह नहीं धोया फिर काहे के मजे। अरे बाबा भाई सब सुन सब सुन, खतरनाक काम हो गया, खतरनाक। ये वाले माउंटेन ना मैं हर बार दिखाता हूँ, हर बार जब जब मैं स्पीति आया हूँ, इस बार फिर दिखा रहा हूँ, तो देखो कैसे बीच बीच में बने हुए हैं। फुल ऑन एडवेंचर चल रहा है भाई, फुल ऑन, और इनको ना थोड़ा डर भी लगता है बर्फ में चलाने से। रख दो रेस पे पैर, देखा जाएगा आ रिया तो पार, खींच दो पूरी स्पीड से, ये फिसलते हुए जाएंगे जन्नत की ओर। तो भाई ये है असली विंटर स्पीति, पूरा व्हाइट आज तक आपकी नजर जा रही है ना भाई, सारा व्हाइट है सारा। कम से कम आधा घंटा हो गया यहाँ पे रुके रुके, दो तीन रील बनाई, बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक करी, ड्रोन उड़ाया, और पूरा वाइट है भाई जहाँ तक नजर जा रही है ना, इसी के लिए मैं आया था वाइट स्पीति के लिए, और वो चीज़ हमें मिल भी रही है। अरे मेरे को तो ले जाओ, हेलो ओ भाई अंदर भी स्नो आ गई।
यहाँ हमने एक ब्रेक ली सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, ये जो देख रहे हो सामने ये पूरी की पूरी लेक है और पूरी जमी हुई है, फ्रोजन लेक। स्पीति के लिए ना नीचे से ही रोड जाती है, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पहले हम जा रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री, वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होगी, साथ में आपको मोनेस्ट्री भी दिखा दूंगा, बहुत प्यारी बनी हुई है। उसके बाद जाएंगे स्पीति के लिए आगे। स्पीति मतलब काजा तो मोनेस्ट्री के लिए ये वाली रोड जाती है सीधा, और हम जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। ऊपर हेलीपैड है, वो सामने हेलीपैड है। ये फुल ड्रिफ्ट है मारते हुए, अभी इसकी बारी है। वो देखो भाई हिमालयन ईगल है ये, बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा, बहुत ज्यादा, ऐसे तो नजर भी नहीं आएगा। चले भाई, भाई अभी ना एक सीन हो गया, भाई ने एक रील बनानी थी, वो आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम पे चल रही है, वी करके बर्फ में गिरते अंदर घुस जाते हैं, ये कूदा और वहां पर बर्फ ही नहीं थी, सीधा जमीन से टकराया धुम करके और चालू। ये देखो जेब और फट गई, रील महंगी पड़ गई, ये बहुत महंगी पड़ गई। एक चीज और दिखाऊंगा आपको, ये देखो जितना कीचड़ है ना ऐसे ही जम जाता है। तो अभी चलने की तैयारी, और ये बैठने को नहीं हो रहे, कह रहे पैदल जाऊंगा अब। ऐसा क्यों? मतलब आप बड़ा रफ चलाते हो बर्फ के ऊपर गाड़ी में, बस आप समझ गए, समझने वाले समझ गए होंगे, है ना? तो जैसे ही इन्हें बोला ना मैंने कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, कह रहे मैं पैदल जा रहा हूँ नीचे जहाँ तक बर्फ है, मतलब बैठो आप मजा आएगा। अब आपको मजे दिलाता हूँ थोड़े बर्फ के। कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ यार, ओ आ जाओ यार। भाई ये बैठने को तैयार नहीं हो रहे, पैदल निकल पड़े ऊपर। चलो यार, ये सही ड्रामा है यार, कह रहे मैं नहीं बैठ रहा तेरे साथ। अरे सर इधर आ जाओ यार। ओ एक्चुअली उनको ना डर लगता थोड़ा, तो इधर वाली गाड़ी में बैठ जाओ। अरे हाँ उनके साथ बैठ जाओ। फुल टू धमाल हो रही है भाई, फुल टू 4x4 के मजे लेते हुए, स्नो ही स्नो, मतलब जमीन तो दिख ही नहीं रही है, व्हाइट ही व्हाइट है पूरा का पूरा। तो दोबारा आपको वाइल्ड एडवेंचर करवा रहे हैं, वो देखो याक, ये याक है क्या है ये, वो खतरनाक लुक, वो देखो ध्यान से देखो, वो इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, और ये देखो हमारी गाड़ी की हालत, देख तेरी गाड़ी की हालत क्या हो गई भगवान, कितनी बदल गई ये। ये वाले पहाड़ देख रहे हो कैसे नुकीले नुकीले से हैं, आसपास और कोई भी नहीं है ऐसे, सिर्फ यही वाले हैं। देख रहे गुरुजी पहाड़ कैसे से हैं, कितने सुंदर से लग रहे हैं ना नुकीले से। तो आई थिंक मोनेस्ट्री बंद है, तो खुली हुई बिकॉज अभी यहाँ ज्यादा बंदे आते नहीं ना, 15-15, 20-20 दिन में एक दो बंदे आते हैं, तो उस चक्कर में दरवाजा बंद कर रखा था। नो मास्क नो एंट्री, इसलिए मास्क लगा के गए थे, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, हम अच्छे से दर्शन कराए। तो वहां पर देखोगे 5-6 गाय बैठी हुई हैं, और यहाँ देखोगे पैरों के निशान है। तो मैं और ये बात कर रहे थे कि ये पैरों के निशान किसके हैं, इंसान के हैं जानवर के हैं, तो हम वो हिसाब किताब लगा रहे थे, और बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीरो का आटा खेला हुआ है। ये देखो यहाँ से पैर जा रहे हैं, यहाँ से सब जगह ही है। बाहर आते ही देखो कितनी खूबसूरत चीज दिखी, लाइफ इज ब्यूटीफुल, वन डे वन और वन मिनट विल नॉट कम अगेन इन एंटायर लाइफ, अवॉइड फाइट एंग्रीनेस एंड स्पीक लवली टू एवरी पर्सन। समझे कुछ क्या समझाना चाह रहे हैं, हम तो समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ जाइए तो बढ़िया है, नहीं तो आपको मोमो खिलाते हैं। आइए, ये आ गए हमारे मोमो जुले, और ये आ गई हमारी चाय जुले जी, जुले, और ये देखो कहाँ पर खड़े होके हम खाएंगे, वो पैर ही अंदर जा रहा है भाई। देखो हम सारे यहाँ खड़े हैं,
और तीन ही चाय यहाँ तक आई है, उन्होंने अपनी चाय वहीं से उठा ली। ये तो खत्म होने वाली है। आलू वाले मोमोज भाई, आलू वाले मोमोज पहली बार खाऊंगा। कौन सी सब्जी है इसके अंदर? इसका अंदर है आलू है, गोभी है, ओके, धनिया है। तो ये मोनेस्ट्री के लिए निकल रहे थे, ये एकदम से फरिश्ते निकल के नहीं आते बीच में से कि हाँ मोमोज खाओगे, हमने ऐसे देखा ये कहाँ से आए हैं, और कोई भी नहीं था, उन्हें बोला लगा दो। हमारा स्टैंड देख रहे हो मोमोज का, सारी बर्फ बर्फ पड़ी हुई है और बर्फ के अंदर प्लास्टिक आए हुए हैं। ये देख रहे हैं कितनी ठंड में आप लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। देखना चाहा कि आप लोग कैसे रहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती आपको यहाँ? नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं, नहीं। पानी जम जाता है ना? पानी जम जाता है, जल के अंदर बैठते। तो फिर नहाना कितने दिन में होता है? नहाना तो एक महीना दो महीने, एक दो महीने बाद। हमने उनको बोला था खाली एक प्लेट मोमोज खाएंगे, एक प्लेट करते करते तीन खा गए, और जेन्युइन वाला बता रहा हूँ ऐसे मोमोज आज तक नहीं खाए। आलू वाले तो वैसे भी नहीं खाए, प्योर वेज मोमोज टेस्टी थे नहीं थे बहुत भाई, पूरे दिल्ली में ऐसे मोमोज नहीं खाए। एक मैंने ऊपर काजा में और खाए थे, और इनके चक्कर क्या होता है ना, सारा का सारा पानी जम जाता है। इसी ब्लॉग में मैंने शुरुआत में दिखाया था वो पूरी की पूरी टैंकी में पानी जमा हुआ था। जब पानी जम जाएगा तो नहाएंगे कहाँ से, क्योंकि उसको गर्म करने में इतनी लकड़ लग जाएगी, गैस लग जाएगी, तो महीना महीना डेढ़ डेढ़ महीना गैप डाल देते हैं। सांस चढ़ गई भाई। तो ये देख रहे हो ये हेलीपैड है जहाँ पर अभी हम गाड़ी चला रहे थे, और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं बिकॉज आगे पूरे रास्ते में स्नो ही स्नो है। तो धीरे 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 करते पहुंच जाएंगे, खाली 20 किलोमीटर का रास्ता, और टाइम 3 बज चुके हैं, 5 भी बज जाए तब भी कोई टेंशन नहीं है। कल के दिन वहीं रुकना है, परसों का दिन भी हो सकता है रुकेंगे। अभी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, मजे लेंगे यार पूरे बर्फ के, माइनस टेम्परेचर के। यस, तो वो दूर देख रहे हो कितनी सारी भेड़े हैं, और एक बंदा घूम रहा है इनके साथ, बहुत ज्यादा दूर है। तो वैसे ये भेड़े हरी हरी घास खाती है, सोचो इतनी ठंड में तो हरी घास भी नहीं, क्या खाती होंगी ये। बल्ले, तो अभी आपको एक तगड़ी चीज और दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन। ये सामने देख रहे हो ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, अगर आप गर्मियों में आओगे ना तो बहुत ही प्यारा लगता है ये, लेकिन उससे प्यारा अभी लग रहा है पूरा का पूरा जमा हुआ पूरा। आए गुरुजी मजा है ना, जबरदस्त। मैं जब मनाली से यहाँ के लिए निकला था ना, तो मैं इनको बता रहा था एक बहुत प्यारा वाटरफॉल बताया था, याद है? तो मैं इसी की बात कर रहा था, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पिछली बार भी विंटर स्पीति में देखा था, तब ये जमा हुआ था ना। हाँ, मैंने पिछली बार विंटर करा था तब भी ये जमा हुआ था। भाई ये पहाड़ देख रहे हो, मतलब कैसे सही बने हुए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, हम पहुंच गए हैं काजा, क्या बात है। आई लव स्पीति, क्या ये मेरी बात हो रही है? हाँ ये मेरी बात कर रहे हैं, आई लव स्पीति। मुंह से भी ऐसा धुआं निकल रहा ना, तो सोच लो क्या ही ठंड होगी। सो वी आर एट वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, क्या बात है, क्या बात है। और एक मेन चीज दिखाऊं, टायर के ऊपर कीचड़ चिपका था ना, वो भी जम गया, सोच लो कितनी ठंड होगी। उतर भी नहीं रहा भाई, लेकिन भाई हम पहाड़ी शेर हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, -25 क्या -35 भी हो जाए तब भी हम ऐसे नजर आएंगे, है ना। सही है। अभी यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? -17। अरे बाबा, तभी सब कुछ जम रहा है। ये देखो मड फ्लैप भी पूरे जम गए हैं, ये भी सारी की सारी कीचड़ है और ये सारी जम गई है, ये देखो। अरे भाई शीशा जम गया था। शीशा मैंने आधा खोला हुआ था, हवा खार था, मेरे को हल्की ठंड लगी, मैंने ऊपर कराया ना। अरे नहीं ऐसे हाथी ऐसे लगाए। तो भाई अपना होम स्टे कितनी बढ़िया जगह में है, और यहाँ अपना दोस्त, हाँ भाई ऑलरेडी किच्ची किच्ची किच्ची, मतलब आसपास की लोकेशन देखो यार, क्या ही जगह है, क्या ही जगह है। जिमी भाई सामान चला गया? सामान चला गया सारा अंदर, चलो फिर हम भी चले। तो अभी यहाँ ड्रोन उड़ाया, एक्चुअली चक्कर क्या, जो ड्रोन का रिमोट है ना वो आई थिंक एलुमिनियम का होता है, मतलब कौन सी क्या चीज होती है मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा ठंडा था ना मेरे हाथ सुन पड़ गए थे। फटाफट से ड्रोन वापसी बुलाया, फिर इनकी गाड़ी में हीटर चालू है, हीटर में बैठा, अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ, अंदर चलते हैं भाई, नहीं तो सुन पड़ जाएंगे रात को। अरे सांबा
थांबा 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 हम भी आया। तो ये है डाइनिंग एरिया जहाँ पर हम पूरा दिन बिताने वाले हैं इस बुखारी के सहारे। और हमारे रूम दिखाऊं एक बारी, एंड दिस इज आवर रूम। और बाहर का नजारा बहुत ही प्यारा। देखो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आप लोगों को जबरदस्त मजा आना चाहिए, कुछ ऐसा करो, जिप्सी घुमा दो बर्फ में, ये करो वो करो, और सब कुछ मैं करता हूँ आपके कहने पे, बिकॉज मेरे को भी एडवेंचर अच्छा लगता है और आपको भी लगता है मुझे पता है। लेकिन हमारी वीडियो में कमेंट ही नहीं करते आप लोग, तो इस वीडियो के लिए ना एक टारगेट रखते हैं, कम से कम 20,000 कमेंट मेरे को इस वीडियो पे चाहिए और 1,00,000 लाइक। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या कमेंट करोगे, जो मर्जी करो। देखो आप लोग मेरे से डिमांड करते हो, मैं भी तो करता हूँ आपके लिए, तो मैं कुछ आपसे डिमांड नहीं कर सकता यार, इतना प्यार करते हो तो इतना तो कर सकते हो। तो भाई टारगेट याद रखना 20,000 कमेंट कम से कम, उससे ज़्यादा चाहे 50,000 हो जाए 1,00,000 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 20,000 और 1,00,000 लाइक कम से कम। तो भाई ये आ गया हमारा रात का डिनर, सब्जी दाल रोटी, ये क्या चटनी, चटनी मिर्च घी, सही है गुरुजी, बहुत आराम हो गया, आ जाओ रोटी खा लो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 10, और एक चीज बता दूं हमारी ये वाली गाड़ी भी स्टार्ट है, वो वाली गाड़ी भी स्टार्ट है, और पूरी रात स्टार्ट रहेंगी दोनों की दोनों। रीजन मैं अंदर जाके बताता हूँ, आप ठंड एंजॉय करो अच्छे से। अब इसका रीजन ये है ना, बाहर का टेम्परेचर जो है -22 डिग्री है, उससे गाड़ी की बैटरी डाउन होने का खतरा है। तो अगर बैटरी डाउन हो गई यहाँ पर धक्का मार के स्टार्ट भी नहीं होगी, और मेन चीज जो इसके अंदर इंजन ऑयल है ना वो रातों रात नीचे बैठ जाएगा, और उससे क्या होगा उसको गर्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। गाड़ी अगर हम स्टार्ट भी कर देंगे ना, जो गाड़ी के पिस्टन है वो खाली चल जाएंगे, अंदर इंजन का नुकसान होगा। तो इससे बढ़िया पूरी रात गाड़ी स्टार्ट रहे, अगर पूरी रात गाड़ी स्टार्ट भी रहेगी ना तो मैक्सिमम 1,500-2,000 का तेल लगने वाला है, लेकिन इंजन को कोई असर नहीं होगा, ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे, इसलिए गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी। और बाकी हमारे यहाँ पर सारे गैजेट चार्ज हो रहे हैं, ड्रोन की बैटरी हो गई, आई वॉच हो गई, लैपटॉप हो गया, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ये हो गया, ये मेरी वॉच है, ये एक्चुअली इसकी वॉच है। ठीक है यार, होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मजा आया होगा, फुल ऑन एडवेंचर, फुल ऑन ठंड, -22 डिग्री, अभी 10 बजे रात को, 2 या 3 बजे -27 -28 जाएगा, मतलब दबा के ठंडा। अभी हमें समझ नहीं आ रहा हमें यहाँ सोना चाहिए या रूम में सोना चाहिए, अभी डिसाइड कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको कल के व्लॉग में पता लगेगा। बाकी ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिए, कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना, और बस ऐसी मौज लेते जाना, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।